नमस्कार, मेरा नाम चारू मदान है। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पर कि मुझे एक ऐसा वीडियो, ऐसा पोइट्री करना चाहिए जिसमें मेरा फेस भी दिखे या मैं रिसाइट करते हुए नज़र आऊं। तो ये अपने तरीके का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं अपनी लिखी हुई कुछ चंद लाइनें बोलूँगी ऑन द कैमरा ओनली, एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट माई सेल्फ। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आज एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वो टॉपिक है डेली स्ट्रगल के ऊपर कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना आगे चलते हैं और एंड में हमें निराशा मिलती है। हम ये सोचते हैं कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, इन सबको करने के बाद हमें क्या मिलना है, एंड वी गेट सो हम बहुत मायूस हो जाते हैं। वी गेट सो मच सैड, वी गेट सो मच एंग्री ऑल्सो समटाइम्स दैट हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेल, वी ऑल गो थ्रू सच सिचुएशंस, तो उसके ऊपर मैंने चंद लाइनें लिखी थी। रेत के समंदर पर जहाज सा मैं चलता हूँ, रेत के समंदर पर जहाज सा मैं चलता हूँ, सर उठाकर आंधियों का सामना मैं करता हूँ। क्यों डरूं, क्यों डरूं मैं जिस्म से हो रही इन खुश्क फिजाओं की लड़ाई से, क्यों डरूं मैं जिस्म से हो रही इन खुश्क फिजाओं की लड़ाई से, मैं तपते शोलों को दिल के कोनों में दफन करके चलता हूँ, मैं तपते शोलों को दिल के कोनों में दफन करके चलता हूँ। इस को लिखने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि लोग बाहर के एक्सटर्नल जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे इतना डर जाते हैं कि वो अपनी लड़ाई कुछ तो लड़ना ही बंद कर देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे दर्द, बहुत सारी बातें अपने दिल के कोनों में दबा कर रखते हैं, फिर भी एक ना एक दिन वो अपनी सक्सेस अचीव ही कर जाते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और कभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी बात से हार मत मानिएगा। बिल्कुल, वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन विच वी विल फाइंड आवर सेल्व्स टोटली हेल्पलेस, बहुत हेल्पलेस फील करेंगे, लेकिन तब तक शोलों को दिल के कोनों में दफन करके आगे बढ़ते जाइए और कभी भी अपनी सिचुएशंस से डरिए मत। थैंक यू सो मच। Also, don't forget to subscribe my channel. अगर आपको ऐसा content पसंद है, poetry, normal storytellings or talks, then please subscribe to my channel. Thank you so much.